Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You are watching Suman Isles. So today I am going to discuss a cue card that is describe a thing you can't live without. आपने एक थिंग के बारे में बताना है जिसके बिना आप जी नहीं सकते. Not a mobile or computer. आपने मोबाइल या कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बात नहीं करनी. So सोचिए कि आप किसके बारे में बात कर सकते हो. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है what it is, क्या है वो चीज. How long have you had it for, कब से आपके पास वो चीज है. Why you can't live without it, क्यों आप उसके बिना जी नहीं सकते. Explain how you felt when you were without it, और बताना है आप कैसा फील करते हो जब आप उसके बिना होते हो. सो अब यहाँ पे सोचिए कि कैसी कोई चीज़ हो सकती है. अब इस बात को ध्यान में, कुछ एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैं टी के बारे में बोल सकता हूँ. आप टी के बारे में बोल सकते हो, बट अगर ये क्वेश्चन ना हो तो, कि क्योंकि वो आपके पास कब से है, तो इस बात का ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसके साथ, उस आइडिया के साथ कवर होते हों. आप इसके स्टार्टिंग जो जनरल लाइन है वो ऐसे कर सकते हो. वेल, वर्ल्ड इज़ अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज. जो वर्ल्ड है एक बैग की तरह है जो अलग अलग पर्सनैलिटी से भरा पड़ा है. सो डिफरेंट मासेस ऑब्सेस्ड बाय डिफरेंट थिंग्स एंड ऑफन फील दे कांट लिव विदाउट दोज. अलग अलग जो लोग हैं वो ऑब्सेस्ड है. ऑब्सेस्ड हमारे यहाँ पे एक वोकैबर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल होना, अडिक्टेड होना, कि उसके बारे में ही जब बातें करते रहना, सोचते रहना वो चीज़. तो जो अलग अलग लोग हैं अलग अलग चीज़ों के हैबिचुअल हैं, जो अडिक्टेड हैं एंड ऐसा सोचते हैं, ऑफन फील करते हैं अक्सर कि वो उनके बिना जी ही नहीं सकते. हेयर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन अ थिंग विदाउट विच आई फील इनकम्प्लीट. आज मैं उस पर रोशनी डालने जा रहा हूँ या जा रही हूँ जिसके बिना मैं इनकम्प्लीट फील करती हूँ. एक्चुअली इट इज़ अ रिस्ट वॉच. वो क्या है, वो एक रिस्ट वॉच है. मैं रिस्ट वॉच की बात करने जा रही हूँ. आई विवरली रेमिनेंस, मुझे याद है. इट वॉज माई 18th बर्थडे, मेरा 18th बर्थडे था. एट दैट टाइम माई एल्डर ब्रदर गिफ्टेड मी अ स्मार्ट वॉच विच वॉज ऑफ एप्पल ब्रांड. मेरे एल्डर ब्रदर ने मुझे एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट की थी जो एप्पल ब्रांड की थी. सो अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके. और अगर आप में से कोई विलिंग है फ्रेंच सीखने के लिए, तो मैंने रिसेंटली फ्रेंच चैनल भी जो है वो स्टार्ट किया हुआ है सुमन फ्रेंच के नेम से. आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली इन कैनेडा. ओके, नेक्स्ट इज एट दैट टाइम, उस टाइम पे आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था जब मुझे वो स्मार्ट वॉच मिली थी. ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड अगेन हमारा यहाँ पे एक एरियम है. बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ वेयरिंग वॉच. क्यों खुश था, क्योंकि मैं शौकीन हूँ वॉच वेयर करने का. बिसाइड दिस, इसके अलावा आई एम वेरी पंचुअल पर्सन. मैं बहुत ही पंचुअल पर्सन हूँ एंड मेक श्योर दैट आई डू एवरीथिंग ऑन टाइम. और ये हमेशा ख्याल रखता हूँ कि मैं हर कुछ कोई काम जो है वो टाइम पे करूँ. दिस वॉच हेल्प्स मी टू बी वेल ऑर्गेनाइज. और ये वॉच जो है वो मेरी मदद करती है कि मैं वेल ऑर्गेनाइज बनूँ, सारा कुछ अच्छे से टाइम पे करूँ. मोर ओवर इट्स स्टेप इज ऑफ पिंक कलर. जो इसकी स्टेप है वो पिंक कलर की एंड स्टेप इज इंटरचेंजेबल. और ये इंटरचेंजेबल भी है. इट हैज एम्पल फीचर्स, लाइक इसके पास बहुत सारे फीचर्स हैं. इस जो वॉच है एम्पल मतलब मैनी. आई कैन अटेंड अ कॉल, लिसन म्यूजिक एज वेल एज सेट अलार्म ऑन इट. मैं इस पर कॉल्स भी कर सकता हूँ, म्यूजिक भी सुन सकता हूँ, एज वेल एज अलार्म भी सेट कर सकता हूँ. आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी फीचर्स लिख सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. फ्रॉम 2 years आई हैव दिस वॉच एंड नाउ इट बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ. 2 सालों से मेरे पास ये वॉच है और अब तो ये मेरा पार्ट एंड पार्सल बन गया है. मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई है मेरी लाइफ का. आई ऑफन वेयर इट वेन एवर आई हैव टू गो फॉर एनी इंपॉर्टेंट वर्क. मैं इसको अक्सर पहनता हूँ जब भी मुझे किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जाना होता है. आफ्टर वेयरिंग आई फील कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर. जब भी मैं अपनी वॉच पहनता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, सिक्योर फील करता हूँ. आई जनरली रियलाइज दैट टाइम इज़ सो प्रीशियस एंड आई हैव टू वैल्यू इट बिफोर इट गोज. और मैं रियलाइज करता हूँ कि जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है और मुझे इसको वैल्यू करना चाहिए इससे पहले कि टाइम जो है वो निकल जाए. दिस वॉच इज़ टू क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज माई सिबलिंग परचेज्ड इट विद हिज फर्स्ट रेम्यूनरेशन. ये वॉच मेरे लिए बहुत स्पेशल भी है, मेरे बिल्कुल हार्ट के क्लोज है. क्यों? क्योंकि मेरा जो ब्रदर है, सिबलिंग हम कज़न को बोलते हैं, जो मेरा सिबलिंग है उसने परचेज की थी ये वॉच अपनी फर्स्ट सैलरी से. रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी.
इसकी जगह पे आप अमोल्यूमेंट भी बोल सकते हो, ये भी एक हमारा सैलरी का सिनोनिम वर्ड होता है. सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी, सो इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरे लिए ब्लेसिंग्स है. वंस इन अ ब्लू मून, ये हमारा एक एडियम है, इसका मतलब होता है कभी कभी. वंस इन अ ब्लू मून इट हैपन दैट आई फॉरगेट टू वेयर इट, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसको जो है वॉच को पहनना भूल जाता हूँ. ऑन दैट डे उस दिन आई ऑफन फील डाउन इन द डम, उस दिन मैं लो फील करता हूँ. लो फील करना मतलब डाउन इन द डम से सैड फील करना, बिकॉज इट कम्प्लीट मी, क्योंकि जो वॉच है वो मुझे कम्प्लीट करती है. तो जब मैं उसको नहीं पहनता हूँ कभी कभी, देन मैं बहुत ही लो फील करता हूँ. सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे दस आई कैन से, जहाँ आप बोल सकते हो. सो आई कैन से इट इज़ एज मंडेटरी एज माई मोबाइल फोन. सो इसलिए ये मेरे लिए उतनी ही क्रूशियल है. क्रूशियल और मंडेटरी इज़ द सेम थिंग, लाइक कि नेसेसरी, ठीक है, उतनी क्रूशियल जितना मेरे लिए मोबाइल फ़ोन है. इट ऑल्सो इन्हांस माई पर्सनैलिटी, और ये वॉच अगर मैं पहनता हूँ जब, तो ये मेरी पर्सनैलिटी भी बढ़ाती है. इन्हांस मतलब बढ़ाना. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंडिंग के लिए idiom, दिस इज़ द थिंग विदाउट विच आई कांट इमेजिन टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा. सो ये एक चीज़ है जिसके बिना मैं इमेजिन नहीं कर सकता सर्वाइव करना इस जो कॉम्पिटिशन का युग है उसमें. सो ऐसे करके आप इस क्यू कार्ड का आंसर कर सकते हो. होप है कि आपका सारा कुछ अच्छे से समझ आएगा होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. नाउ चलिए करते हैं फॉलोअप क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर चिल्ड्रन अट्रैक्टेड टू न्यू थिंग्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, बच्चे जो हैं वो न्यू चीज़ों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. तो आप इसका आंसर कर सकते हो वेल आई थिंक दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, मुझे लगता है कि ये नेचुरल फिनोमिना है जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं. एज ऑफ स्प्रिंग्स मतलब चिल्ड्रन हैव क्यूरियस नेचर, क्योंकि उनका क्यूरियस नेचर होता है. क्यूरियस नेचर होना किसी चीज़ के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होना. वैन दे सी एनी थिंग न्यू देन दे हैव द क्यूरियोसिटी टू लर्न ऑल द रूप्स दैट हाउ इट वर्क्स और अप्रीट्स, जब वो किसी भी न्यू चीज़ को देखते हैं तो उनको क्यूरियोसिटी होती है सब कुछ सीखने की. टू लर्न ऑल द रोब्स, ऑल द रोब्स होता है किसी चीज़ के बारे में पूरे की पूरी जानकारी होना, ये हमारा idiom है कि उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि वो सारा कुछ जाने कि कैसे वो वर्क कर रही है वो चीज़, कैसे उसको ऑपरेट किया गया. सो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू सम ग्रोज अप हेट टू थ्रो आउट ओल्ड थिंग्स. ग्रोज आप मतलब जो बढ़ रहे हैं बच्चे, कहने का मतलब बच्चों से जो अडल्ट हो रहे हैं कि जो ग्रोन अप्स हैं वो हेट क्यों करते हैं, नफरत क्यों करते हैं कि वो ओल्ड चीज़ों को फेंकते नहीं है जैसे कि क्लोथ. तो आप इसका आंसर कर सकते हो विदाउट एनी डाउट द प्रेडोमिनेंट रीजन बिहाइंड दिस इज देयर पर्सनल कनेक्शन. आप बोल सकते हो बिना किसी शक से मेन रीजन क्या है इसके पीछे, उनका पर्सनल कनेक्शन जो उन चीज़ों के साथ. एज फ्यू मसल्स आर इमोशनली अटैच्ड विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक अटायर्स, आप बोल सकते हो कुछ लोग जो होते हैं वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं इस तरह की चीज़ों के साथ जैसे कि अटायर्स हो गए. दीज अटायर्स, अटायर्स होता है क्लोथ्स, ब्रिंग बैक देयर नॉस्टैल्जिक मेमोरीज, क्योंकि ये जो कपड़े हैं उनकी पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज मतलब उनके ओल्ड मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, उनकी कोई ना कोई ऐसी जो याद है उसके साथ जुड़ी होती है. विद दिस दे फील इनर ग्रेटिफिकेशन, जिसके साथ वो इनर ग्रेटिफिकेशन मतलब सेटिस्फेक्शन फील करते हैं. बिसाइड दिस, इसके अलावा फ्यू इंडिविजुअल आर पैक रैट्स, ये अगेन हमारा यहाँ पे एक idiom है पैक रैट. पैक रैट हम उसको बोलते हैं जो अननेसेसरी थिंग्स को जो है वो कलेक्ट करके रहता है जिनकी उनको नीड भी नहीं होती. तो आप बोल सकते हो कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो पैक रैट्स होते हैं कि वो वैसे ही संभाल के रखते हैं हर चीज़ें, काफ़ी देर तक फेंकते नहीं हैं. दे लव टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स विच एक्चुअली दे डोंट नीड, जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं होती वो उन चीज़ों को भी कलेक्ट करके रखते हैं. सो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. सो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इज द वे पीपल बाय थिंग्स अ फैक्टर, हाउ, क्या कि लोग जैसे चीज़ें खरीदते हैं उनका जो खरीदने का तरीका है वो अफेक्ट हुआ है और कैसे, जहाँ बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे भी चेंज हुआ है पास्ट टाइम से, तो आप उसके हिसाब से आंसर करोगे. आप बोल सकते हो ऑफकोर्स येस अफेक्ट हुआ है बिकॉज नाउ इंडिविजुअल शॉप मोर एज कम्पेयर टू यस्टरडे, अब जो लोग हैं वो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं जितनी वो यस्टरडे में नहीं करते थे. दे प्रेफर द ऑनलाइन मोड ऑफ शॉपिंग विच इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस देते हैं जो कि कम टाइम कंज्यूम करते हैं, उनका टाइम बच जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मासेस परचेज अननेसेसरी थिंग्स विच एक्चुअली दे डोंट नीड एंड बिकम मटेरियलिस्टिक, जो लोग हैं वो अननेसेसरी थिंग्स जो है वो बाय करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं होती और
वो अब मटेरियलिस्टिक बन गए हैं. दिस वॉज नॉट हैपन इन द पास्ट टाइम. जो पुराने समय में ऐसा नहीं था, वो कोई लोग मटेरियलिस्टिक नहीं थे, वो चीज़ों को बहुत संभाल के रखते थे. बट नाउ पीपल बिकम मटेरियलिस्टिक, बिना सोचे समझे शॉपिंग करते हैं जो उनके यूज की भी नहीं होती. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक इन्फ्लुएंसेस पीपल टू बाय न्यू थिंग्स. आप क्या सोचते हो कि क्या लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो नई चीज़ें खरीदें? तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है एडवर्टीजमेंट. तो आप इसका आंसर बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव एडवर्ट्स हैव लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स. आप बोल सकते हो मेरे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग तो जो एडवर्टीजमेंट है, चाहे एडवर्ट्स हैं, उनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल्स के माइंड पे, चाहे इंडिविजुअल्स में, बिकॉज एडवर्ट्स आर ब्रॉडकास्टेड ऑन ऑल सोशल साइट्स ऑन और टीवी. जो एडवर्टीजमेंट है वो ब्रॉडकास्ट होती रहती है हर सोशल साइट्स पे, जहाँ टीवी पे, विच आर गिवन बाय रिनाउंड पर्सनैलिटी. जिनको रिनाउंड पर्सनैलिटी देती हैं, कहने के रिनाउंड मतलब फेमस, जिनको टेलीकास्ट जो है, जहाँ बोल सकते हो कि रोल किस कौन प्ले करता है उस एड्स में, रिनाउंड पर्सनैलिटीज हु हैज ह्यूज फैन फॉलोइंग, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है. इन ऑर्डर टू एमुलेट देयर आइडल्स इंडिविजुअल परचेज न्यू थिंग्स. अपने आइडियल्स, आइडियल्स होते हैं जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, रोल मॉडल्स को कॉपी करने के लिए, एमुलेट का मतलब होता है कॉपी करने के लिए, इंडिविजुअल्स नई नई चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि उनके रोल मॉडल ने वो ऐड दी होती है. इसके अलावा इंस्पायर्ड ऑफ दिस, इन दिस एरा, इस जमाने में, जहाँ यहाँ पे एपॉक भी बोल सकते हो, एवरीवन वांट्स टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. हर कोई अट्रैक्शन का सेंटर बनना चाहता है. सो दे परचेज न्यू थिंग्स आइदर टू फ्लॉन्ट देयर स्टेटस और ग्रैब द अटेंशन ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस, जहाँ अदर्स बोल सकते हो. वो परचेज करते हैं नई नई चीज़ें, जहाँ तो अपना स्टेटस जो है वो शो ऑफ करने के लिए, फ्लॉन्ट मतलब शो ऑफ, जहाँ लोगों की अटेंशन, अदर्स की अटेंशन जो है वो ग्रैब करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, जहाँ बोल सकते हो अपने नियर एंड डियर वंस की अटेंशन जो है अपनी तरफ खींचने के लिए. सो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. सो ये थे हमारे आज के फॉलोअप क्वेश्चन. होप है कि आपको ये भी सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.